एसपी डीआर तनिवार के निर्देशन में दमोह शहर के विभिन्न नाका क्षेत्रों एवं दमोह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज विशेष वाहन चेकिंग अभियान का दौर देखने को मिला। इस दौरान सभी आने जाने वाले फोर व्हीलर वाहनों की जहां पुलिस द्वारा जांच की जाती रही, वह इनके कागजातों के अलावा आने जाने वाले टू व्हीलरों की भी जांच होती रही। वह इसी दौरान हटाना का क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों के घायल हो जाने का दुखद घटनाक्रम भी सामने आया। दोनों घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दमोह जिले में लंबे समय से कोरोना काल से बाइक चालकों की चेकिंग करके और लगातार कार्रवाई की जाती रही है। वहीं एक बार फिर इस कार्रवाई से जहां बाइक चलाने वालों में हड़कंप के हालात बने हुए हैं, वहीं पुलिसकर्मी भी अब बाइक वाहन चालक की जांच के साथ इनकी चेकिंग मुहिम में जुटते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर दमोह जिला मुख्यालय के समन्ना बाईपास के समीप धर्मपुरा नाका क्षेत्र की है, जहां कोतवाली पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैदी के साथ वाहनों की जांच चेकिंग और चालानी कार्यवाही में जुटती हुई नजर आई। जिले भर में जारी रहे पुलिस केस जांच चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न थाना प्रभारी भी मुस्तैद नजर आए। वहीं दमोह शहर के समन्ना बाईपास मार्ग पर जारी चेकिंग में कोतवाली टीआई प्रभारी सत्येंद्र सिंह भी सक्रियता दर्ज कराते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी चर्चा का विषय रही। वाहनों से अवैध शराब तथा शहर में चाकूबाजी जैसी घटनाएं सामने आने के बाद में पुलिस द्वारा की जा रही इस चेकिंग से निश्चित तौर पर अवैध हथियारों की धरपकड़ के साथ अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लग सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश हुए थे कि आज 3 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक चेकिंग लगनी जी, और जो भी अवैध हथियार ले अपने पास रखे हैं या अवैध सामान लेकर निकलते हैं जी, लगातार चेकिंग की जाएगी। उसी आदेश के पालन में यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। तो कहाँ पर सर चेकिंग? ये धर्मपुरा बाईपास पे चेकिंग चल रही है, और 3 व्यक्ति जो नए नए लड़के हैं, अगर हथियार वगैरह रखे हैं तो फ्रिस्किंग की जा रही है।